प्रेरणा कथा। मिलकर चले। एक किसान फूलों की खेती करता था और हर वर्ष ही उनके ज़िले में होने वाले फूलों की प्रतियोगिता में उसके खेत के फूल ही प्रथम पुरस्कार जीतते थे। हर वर्ष उसको ही विजेता घोषित किया जाता था। एक दिन एक पत्रकार ने साक्षात्कार के दौरान उस किसान से एक ऐसी बात सुनी जो जीवन में बहुत बड़ा पाठ देती है। पत्रकार ने उस किसान से पूछा, आप इतने अच्छे और सुंदर फूल कैसे उगा लेते हैं? किसान ने कहा, मैं अपने पुरस्कार जीतने वाले फूलों के बीज अपने पड़ोसी किसानों को भी देता हूँ ताकि वो लोग भी ऐसे सुंदर फूल उगा सकें। पत्रकार ने कहा, आप जानते हैं कि आप हर वर्ष फूलों की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, फिर आप अपने सबसे अच्छे फूलों के बीज अपने पड़ोसी किसानों के साथ कैसे बांट सकते हैं? किसान ने कहा, श्रीमान, आप जानते ही हैं कि हवा से फूलों के पराग इधर से उधर उड़कर चले जाते हैं। फूलों के पराग एक खेत से दूसरे खेत तक पहुंच जाते हैं। अगर मेरे पड़ोसी किसानों के पास ख़राब बीज होंगे तो उनके पराग मेरे खेत में भी उड़कर आएंगे और मेरे फूलों को भी ख़राब कर देंगे। इसीलिए मैं उनको भी अच्छे फूलों के बीज दे देता हूँ। अगर मेरे पड़ोसी किसान खराब या निम्न प्रकार के फूलों के बीज खेतों में डालेंगे तो उनका नुकसान मुझको भी होगा। अगर वो लोग भी अच्छे फूल उगाएंगे तो उसका लाभ मुझको भी होता है। मैं हमेशा अपने पड़ोसी किसानों को अच्छे फूल उगाने में मदद करता हूँ। मित्रों, छोटी सी कहानी है परंतु संदेश बहुत बड़ा देती है। उस किसान का दर्शन शास्त्र हमारे जीवन पर ही लागू होता है। अगर हमारे पड़ोसी खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। अगर हम अपने घर में शांति स्थापना करना चाहते हैं तो हमको पहले अपने पड़ोसियों के जीवन की शांति के बारे में सोचना होगा। जो लोग खुश रहना चाहते हैं और शांत जीवन बिताना चाहते हैं उनको अपने आसपास के लोगों की खुशी का भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपने पड़ोसियों को, फिर गांव को, फिर समाज को और फिर प्रांत या देश को सुखी बनाने के बारे में सोचना चाहिए। दान तो घर से ही शुरू होता है। स्वयं तो लोगों की मदद कीजिए ही और साथ साथ औरों को भी ऐसा करने को प्रेरित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।